तुम कभी मीता जैसी बन ही नहीं सकती और ना ही मैं कभी तुम्हारा हो सकता हूँ। चली जाओ, हम दोनों की जिंदगी से दूर चली जाओ। मेरी इतनी इंसल्ट आज तक किसी ने नहीं की ऋषभ। चली जाऊंगी मैं, पर अगर मैं चली गई ना तो मैं किसी और को भी तुम्हारी लाइफ में नहीं आने दूंगी, कभी नहीं, उस मीता को भी नहीं। क्या कर लोगी तुम? कुछ भी नहीं कर सकते। छोड़ो, ये क्या कर रही हो तुम? कट, क्या कर रहे हो तुम लोग यार? देखो उधर। क्या हुआ सर? पूजा? जी सर। क्या है? डैगर है सर। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है, डैगर है, लेकिन ये वो डैगर नहीं है जो मैंने चूज किया, जो मैंने सेलेक्ट किया था वो कहाँ है? सर आपने जो डैगर चूज किया था वो मैंने पूजा को लाने के लिए दिया था। नहीं जीतू, तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिया है। पूजा याद करो, कल शाम मैंने टेबल पे रखा था और बोला था डैगर संभाल कर लेकर आना। पूजा मुझे वो डैगर चाहिए, वही एंटीक डैगर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं हो। जी सर, देखती हूँ। देखो नहीं, जाके लेकर आओ, जाओ। चलो, प्रे फॉर एवरीवन। मैं भी ना कितनी बड़ी भुलक्कड़ हूँ, भुलक्कड़ नहीं भुलक्कड़ की दादी हूँ, इतना इम्पोर्टेंट प्रॉप कैसे भूल सकती हूँ? आज अगर डैगर नहीं मिला ना तो सर मेरी जान ले लेंगे। कहाँ रखा होगा डैगर? कल ही तो सारे प्रॉप के साथ रखा था। मिल गया। शहर अपने आप
सबको मार डालूंगी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। पूजा क्या हुआ, चीख क्यों रही हो, कौन है? लगता है कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ सर, वो कभी भी हमारी जान ले सकती है। अरे पर यहाँ से निकलेंगे कैसे, जैसे ही बाहर जाएंगे सामने आके खड़ी हो जाएगी वो। पता नहीं उसने पूजा के साथ क्या किया होगा। सर आई थिंक हम किसी तरह रात यहीं पे गुजार लेते हैं, इस वक्त निकलना बहुत खतरनाक हो सकता है। अरे यार चुप करोगे तुम सब, अगर उसने सुन लिया ना तो एक सेकंड में सबकी जान जाएगी। सर आ गई वो, अंधेरा क्यों है? ये तो जतिन सर की आवाज है। गाइस ये तो जतिन सर। आप लोग ने लाइट क्यों नहीं लगाई हुई? सर वो लाइट अपने आप चली गई सर। इस सबका चेहरा इतना डरावा क्यों है? सर इस थिएटर में एक लड़की की आत्मा है। क्या बकवास कर रहे हो रवि, इतने पैसे लगाकर मैंने थिएटर खरीदे, रिनोवेशन किया और तुम ये अफवाह फैला रहे हो? सर अभी अभी हम लोगों ने उसे अपनी आंखों से देखा है। नीता नाटक यहाँ पे नहीं स्टेज पे, कल फाइनेंसर आ रहा है उसे ये नाटक पसंद आना चाहिए, समझे? सर जिंदा बचेंगे तब नाटक करेंगे ना, उसने कहा है कि वो हम सबको मार डालेगी सर, सबको। अच्छा आत्मा है,
हाँ। तो फिर तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर क्यों नहीं चले गए? सर हम तो वहां से एकदम से भागे थे, लेकिन फिर कोई जा नहीं पाएगा बाहर, जाएगी तो उनकी लाश। तुम सब लोग ये झूठी कहानी बनाकर मुझे डुबाना चाहते हो? मैं देखता हूं लाइट कैसे चली गई। हटो हटो। देखा लाइट आ गई, इसने मेन स्विच बंद करके रखा था। वो आ गई। मैंने कहा था ना वो आ गई। तुम सबको लेके जाएगी, सबको लेके जाएगी। लेकिन मैं मरना नहीं चाहता, नहीं मैं मरना नहीं चाहता सर, मुझे यहां से निकलना है, मैं मरना नहीं चाहता सर। चुप जीतो, चुप। कोई आत्मा तो नहीं होता है, कहां है तुमसे? आप ही हो ना, आप ही हो ना। मेरी पगार दे दो, मेरी पगार दे दो, मेरी पगार दे दो। कौन है ये? कौन हो तुम? मैं इस थिएटर की निगरानी करता हूँ, जल्दी से मेरी पगार निकालो। कौन है ये? क्या पागल है? ले जाओ इसे बाहर। मेरी पगार दो, पगार दे, मेरी जल्दी से निकालो, पागल आदमी, निकालो इसे बाहर, निकालो इसे बाहर, मेरी पगार दो। नहीं छोड़ेगी, छोड़ेगी नहीं, सबको तुमको लेके जाएगी। आ गई है वो। पूजा कहाँ है? पूजा, 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 कहाँ गई होगी पूजा? कहीं कोना पकड़ के सो तो नहीं गई? यार सर, ऐसा क्यों करेगी? काम चोर है वो, पगार लेने को सबसे पहले आगे आती है। लाइट का मेन स्विच बंद करके गई होगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने। सर डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई थी, वो कहीं नहीं गई होगी। पता नहीं बेचारी किस हालत में कहाँ होगी। तुम उसकी फिक्र मत करो, शो की फिक्र करो। अगर फाइनेंसर ने अपना ड्रामा अप्रूव किया तो सबका फायदा होगा, समझे? सर, सर मुझे तो लगता है पूजा को ना अपने साथ उठाकर ले गई वो आत्मा। तुमने अगर दोबारा आत्मा का नाम लिया ना तो मैं तुम्हें आत्मा बना दूंगा, समझे? ढूंढो पूजा को, ढूंढो पूजा को। पूजा, 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 ढूंढो पूजा, पूजा, पूजा। पूजा, 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 आत्मा, 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 आत्मा। वहां तो कुछ नहीं है, आत्मा तेरे दिमाग में घुसा हुआ है, तू गया काम से, कल से काम पे मत आना, समझा? ढूंढो पूजा को, ढूंढो। गए तो गए कहां? ये किसका है? सर ये तो पूजा का है। पूजा का?
गॉड, तो पूछा है? यहाँ खड़ी थी वो आत्मा। हाँ, इन लोगों का तो यही कहना है कि यहाँ खड़ी थी वो आत्मा। सर, तुमने भी देखा आत्मा को? जी, मैंने नहीं देखा। फिर नहीं देख सकते ना, क्योंकि आत्मा होती ही नहीं। होती है सर, जब हम वहां पर पहुंचे थे तो उस औरत का मुंह इस तरफ था, फिर धीरे धीरे उसने अपना मुंह घुमाया, सिर्फ मुंह, और उसके बाद चिल्ला चिल्ला कर हमारी तरफ बढ़ने लगी। मतलब वो उल्टा चल रही थी, पेट भी आपकी तरफ और चेहरा भी आपकी तरफ। हाँ मैम, ये कैसे हो सकता है, है? सर हमारा यकीन कीजिए सर, ऐसे ही हुआ था सर, वो आत्मा ही है सर। ये चीतू तो उसे देखकर बहुत डर गया था, और ये नीलू, ये तो बेहोश भी हो गई थी सर। फिर क्या हुआ सर? उसके बाद हम लोग मेन गेट की तरफ भागे ताकि इस थिएटर से बाहर निकल सके, लेकिन वो तो मेन डोर पर ही खड़ी थी वहाँ। सर आत्मा है ना, कहीं भी आ जा सकती है। सर हमें घर भिजवा दीजिए, हम बहुत डरे हुए। यहाँ पे खून हुआ है, और जब तक हमारी जांच पूरी नहीं हो जाती यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा। सर काम करते हैं, हम लोग प्रॉपर रूम चेक करते हैं, तुम जरा देखो यहाँ पर ये सारा आत्मा का चक्कर है क्या। सर प्रॉपर रूम कहाँ पर? पूजा की फाइल है, इसका मतलब है पूजा यहां पर आई थी इस प्रॉप रूम में। पूजा आई थी, पर वो आत्मा कहां से आई होगी? आत्मा कहां से आई यहां पर? सर हाँ, खूनी का कहीं कोई सुराग नहीं मिला सर। सर हाँ सर, कुछ भी नहीं मिला, उधर भी कुछ नहीं मिला सर। आत्मा बन के आई खून के और गायब हो गई। गायब हो गई, गायब होकर जाएगी कहां? कभी न कभी तो हमारे सामने आना ही पड़ेगा ना। कुछ पता चला? नहीं सर। आखिर है कौन ये औरत और चाहती क्या है? बहुत बहुत चाहती है वो, तुम सब मरोगे। आज 17 जनवरी है ना, आज ही के दिन आने वाली थी वो, तुम मरोगे। फिर आ गया? कौन है ये? सर इसका दिमाग फिर गया, कुछ भी बकता रहता है। भगाओ इसे बाहर। मुझे भगाने से क्या होगा, वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी, और तुम सब तो यहां से बाहर भी नहीं निकल पाओगे। कौन कौन आ गई है? औरत जो यहां जलकर मरी थी, वो औरत किसी को भी नहीं छोड़ेगी। सर इसकी बात मत सुनिए सर, ये कुछ भी अनप सनप बकता रहता है। सबको मारेगी वो, किसी को नहीं छोड़ेगी। पता लगाओ जरा कौन जलकर मरा था, ये सारा चक्कर है क्या।
बड़ी अजीब आत्मा आई है, खून करके लाश को स्टेज के नीचे छुपा दिया। इसका मतलब लाश को घसीट के लाया गया यहाँ पे। लेकिन सर, आत्मा को लाश को घसीटने की क्या जरूरत थी? वो तो एक ही नजर से किसी को भी इधर से उधर का सकती है। वही तो। दया। हाँ सर। कुछ पता चलता है इसे कैसे मारा? एक मिनट सर। सर, शरीर पे कोई हताहत के निशान नहीं है। जरा लाश को पलटो। ओह नो। सर। हाँ दया। शायद पीठ पे छुरा मारा है। देखो जरा आसपास, कोई हथियार मिलता है क्या? नहीं सर, यहां तो कोई हथियार दिख नहीं रहा। सर, इतने सारे लोगों के बीच में खूनी ने सिर्फ इसे मारा। होगी इसकी कोई पुरानी दुश्मनी, मौका मिलते ही बदला ले लिया। हाँ? लगता है ये आत्मा जूते पहनती है। आत्मा की जूतों की निशान? हाँ, आधुनिक आत्मा ही है। दया, तेरा बॉडी को बाहर निकालो। ये कहाँ गए? यहीं पर तो आए थे। आखिरी बार तुमने पूजा को कहां देखा था? सर, पूजा तो प्रॉप रूम में गई थी और उसके बाद वो कॉरिडोर में बेहोश हो गई। सर, पूर्वी तो कहीं दिख नहीं रही है। रेडी, देखो आसपास ही होगी कहीं। जाओ। मैं अकेले देखूं सर। क्यों, डर लग रहा? डरता कौन है? मैं देखता हूं। सर, लगता है इस थिएटर के इतिहास के बारे में बहुत जल्द पता चल जाएगा। अभिजीत का फोन है। हेलो, एक बार फिर से प्रॉप रूम चेक करते हैं। इस प्रॉप रूम का एक एक कोना, एक एक चीज को छान मारो, अच्छी तरह से देखो। कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा उस खूनी औरत का। जरूर उसने पूजा को यहाँ दरवाजे के पास ही मारा होगा और घसीटती हुई ले गई स्टेज पे। हाँ, जो कुछ भी हुआ यहीं पर हुआ है। यहीं पर ढूंढो अच्छी तरह से। देखो, हमें वो डैगर चाहिए। सर। हाँ अनिकेत। ये देखिए सर, खून लगा है। सर, पहले आए थे तो खून नहीं था, अचानक कहां से आ गया? वही तो। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस खूनी औरत ने किसी पर हमला किया है? बस वो डैगर मिलना चाहिए हमें। वो एक डैगर ढूंढो। सर,
उर्वी सर, पूरी बिना बताए वहां से कब चली आई पता ही नहीं चला। पूर्वी, पूर्वी सर इसे हॉस्पिटल ले जाए। पूर्वी सर तुम ठीक हो? हाँ सर। गुड, चलो अब बताओ क्या हुआ यहां पर, किसने मारा तुम्हें? सर हाँ सर, यहां पर वो थिएटर किसका है? बंद करिए ड्रामा, वरना गोली चला दूंगी। सर सुनने में अजीब लग रहा है मगर ये सच है। क्या सच है? ये आत्मा सच है? बकवास है ये सब, बकवास है, बकवास। ये कोई खेल खेल रहा है और वो भी बड़ा खतरनाक खेल, आत्मा बनकर। सर थिएटर में आग तो लगी थी सर, और उस आग में इस थिएटर की मालकिन जिनका नाम मोनिका था उनकी मौत हो गई थी। मोनिका? और सर इस मोनिका की आत्मा थिएटर में भटक रही है। आत्मा से मिलना है? नहीं सर, मोनिका के पार्टनर ने इंश्योरेंस के पैसे के लिए क्लेम किया था मगर वो ये साबित नहीं कर पाया कि ये हादसा एक एक्सीडेंट था, इसलिए इंश्योरेंस के पैसे उसे नहीं मिले। मतलब ये आग लगाई गई थी। मोनिका के घर वालों के बारे में क्या पता चला? नहीं सर, उसके परिवार में तो कोई नहीं था, इसीलिए ये थिएटर गवर्नमेंट के हाथ में चला गया और जतिन ने ये थिएटर खरीद लिया। अभी सर ये मोनिका है। सर कहीं जिंदा तो नहीं? ये मोनिका उस आग में से बच गई है? रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो मर चुकी है। लगता है इस थिएटर में आग मोनिका को मारने के लिए लगाई गई थी। हाँ सर, शायद वो आदमी है इन्हीं में से कोई, लेकिन सर पता कैसे चलेगा कि कौन है? मोनिका, मोनिका की आत्मा। पता नहीं सीआईडी वालों ने हमें यहाँ क्यों रोक के रखा है। एग्जैक्टली, आई थिंक अब हमें ना घर चले जाना चाहिए यार। अरे उल्टा, यहाँ पर हम लोग सेफ हैं। सीआईडी के होते हुए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता यहाँ। सच कह रहे हो सर आप, अभी हमारे बाहर जाने से बहुत खतरा हो सकता है। लेकिन आत्मा के सामने सीआईडी भी कुछ नहीं कर पाएगी।
सकती हूँ। किसने मारा पूजा को? तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा, मैं तुझे मार डालूंगी। बचाओ, बचाओ। मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। बचाओ! बचाओ! सर, सर मुझे बचा लीजिए सर, सर 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 वो आत्मा मुझे मार डालेगी सर, प्लीज बचा लीजिए, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ सर, प्लीज बचा लीजिए सर, सर सर प्लीज सर। बोल। सर, पूजा का खून मैंने किया सर, मैंने किया। पूजा का खून किया? और जब तुम्हारी जान पर आई तो मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। हा? सर आपको मुझे जो सजा देनी दे दीजिए सर, पर वो आत्मा से मुझे बचा लीजिए सर। वो आत्मा नहीं, हमारी इंस्पेक्टर श्रेया है। नाटक सिर्फ तुम ही कर सकते हो, हम भी कभी कभी कर लेते हैं। कौन थी वो आत्मा? सर, मैं भी आपकी तरह आत्मा पे विश्वास नहीं रखता सर, पर जब उस दिन लाइट चली गई तो अंधेरे का फायदा उठाकर मैंने पूजा का खून कर दिया। बताओ क्यों मारा तुमने पूजा को? सर, हम दोनों का अफेयर चल रहा था और रोज मुझे ब्लैकमेल करती थी कि मेरी वाइफ को इसके बारे में सब कुछ बता देगी, इसीलिए मैंने उसका खून कर दिया। शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब बताते हुए? शादीशुदा हो ना तुम? बताओ कौन थी वो आत्मा? वो भी इसी का आइडिया होगा सर। नहीं नहीं सर, सर उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मेरा यकीन कीजिए सर, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो ठीक है, तुम्हारी इस आत्मा को बेनकाब हम करेंगे। ये आत्मा मुझे बर्बाद कर देगी, देखना पड़ेगा ये आत्मा का क्या चक्कर है। सचिन, बाकी के लोगों को देखो, निखिल मेन स्विच ऑन करो, देखो लाइट्स कहाँ पर है। ए, तुम कहाँ जल्दी है, बहुत लोग हैं वहाँ देखने के लिए, समझे? देखो, बचाओ, बचाओ।
जतिन, जतिन, ए, इसे इसे पकड़ो, पकड़ो, इसे काटना पड़ेगा। पूछे। घबराओ मत, घबराओ मत। देखो इसे किसी वायर से लटकाया है, एकदम पतली वायर है, देखो कहां पर बंदी है वो। नहीं सर, ये पुलिस लॉक है। देखो कहीं तो होनी चाहिए। देखो सर, वहां से कुछ आवाज आ रही है। जल्दी दया, जल्दी। देखो इसे किसी वायर से लटकाया है, एकदम पतली वायर है, देखो कहां पर बंदी है वो। नहीं सर, ये पुलिस लॉक है। देखो कहीं तो होनी चाहिए। देखो सर, वहां से कुछ आवाज आ रही है। जल्दी दया, जल्दी। भी तो देखे कि भूत कैसे होते हैं। अच्छा सर, आप लोग ने मुझे बचा दिया, वरना मुझे अच्छा ये सब हुआ किसी जति पता। मैं ये सब इसका प्लान था सर। तुम जीता? हाँ मैं जिंदा हूँ, और मैं मोनिका नहीं सोनिया हूँ, मोनिका की जुड़वा बहन जिसे तुमने मार डाला था। क्या? जतिन ने मोनिका को मारा? हाँ सर, ये 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 मोनिका का पार्टनर था और इसी ने रची थी मोनिका को मारने की साजिश। क्या बात है, खुद इस थिएटर को आग लगा दिया और इंश्योरेंस के पैसों के लिए क्लेम भी कर दिया तुमने। हाँ सर, उस वक्त मैं इंडिया से बाहर रहती थी, जब मुझे पता चला कि इस जतिन ने मोनिका को मार दिया है, उसी वक्त मैंने ये प्लान बना लिया था कि इंडिया जाकर मैं इस जतिन को तो जान से मार दूंगी। लेकिन तुम यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ कैसे आ जा सकती थी? बड़ी ये सोनिया है मोनिका की बहन, इस थिएटर की मालकिन, इसे इस थिएटर के सारे रास्ते मालूम है, कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, छुपने की जगह कहाँ है, क्यों? लेकिन इस पुली मैकेनिज्म के बारे में तुम्हें कैसे पता? सर, मैं अपनी बहन के साथ इस थिएटर में आती जाती थी, इस पुली और इस वायर के बारे में उसी ने मुझे सब बताया था, पर आप लोग आ गए और ये जतिन बच गया। सर, इसको जीने का कोई हक नहीं है। सोनिया, कौन जिएगा कौन नहीं, ये हम नहीं, कानून तय करता है, समझी? ले चलो इन तीनों को। चलो चलो। वो चले गए, वो भी चला गया, सब चले गए, अब मेरी पगार कौन देगा? तुम्हारी पगार। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।